माते श्री प्रणाम। खुश रहो तो दीने आशीष लाए मुरली ने अभूषण बसन निछावर की बार बार मुख चुंबत माता अनयन स्नेह जल पुलकित गाता। और राम राम अब अपने पिता के दिए हुए वरदान को सत्य करने और माता कैकेयी के आदेशा अनुसार जाने का बन को 14 वर्ष की कथा अपनी माँ कौशल्या से बता रहे हैं। हे मातेश्री, पिताजी ने मुझे 14 वर्षों के लिए और माता कैकेयी ने भी मुझे आज्ञा दिया है। हे मातेश्री, इसमें आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। मातेश्री, ठीक है पुत्र, जाइए, आज्ञा है। धन हो माताश्री, धन हो मातेश्री। हरि लाल हो कवन जतन बन भैया लक्ष्मण, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि कैकेयी ने आपसे आपका राज्य छीन लिया। भैया लक्ष्मण, तुमने आज माता कैकेयी को कैकेयी कैसे कहने लगे? भैया लक्ष्मण, आप कहो माता उसे, मैं उस कुल घटनी को माता कभी नहीं कहने दूंगा और ये अन्याय भी नहीं होने दूंगा कि आपसे आपका राज्य छीन लिया जाए। भैया भैया आप आज्ञा दो, मैं दशरथ जी की चतुरंगनी सेना का अभी नष्ट और भ्रष्ट कर सकता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, ऐसे उल्लंघन बातें मत करो। भैया आप बीच में मत पड़ो, नहीं तो अगर भरत भी बीच में आ गया तो उसे भी छठी का दूध जान दिला दूंगा। आप आज्ञा दो भैया, यह मेरा धनुष शोभा की वस्तु नहीं है। लक्ष्मण ठहरो, और तुम मेरे भाई लायक नहीं हो, क्योंकि इस तरह तुम ऐसे कटु शब्द बोलते हो, इसलिए तुम जाओ। आज से मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता लक्ष्मण। नहीं भैया, ऐसे मत कहो भैया। हाँ सज्जनों, लक्ष्मण भैया राम से कहते हैं कि हे भैया, हम भी तुम्हारे साथ साथ वन को चलेंगे। जब लक्ष्मण जी इस तरह से कहते हैं तो राम कहते हैं कि हे भैया लखनलाल, जाओ तुम अपनी माँ से आज्ञा मांग लो। लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा के पास जाने वाले हैं। भैया, हाँ भैया, भैया तुम तो भैया लक्ष्मण कि तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों?
चातुर नहीं मुझ पर दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। हे भैया लक्ष्मण, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि घर पर भैया भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है। पिताजी की ये दशा है, इसलिए मैं तुम्हें खाली पिताजी के लिए छोड़ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी सेवक भी चाहिए। भैया मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, अजन्म उपासक परिचायक या जग पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में दूर रहे तो निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण भैया चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लहू का भाई तब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। ठीक है भैया, यद नहीं मानते हो तो जाओ और माता जी से आज्ञा ले आओ और जल्दी बन के लिए तैयारी करो। ठीक है भैया, कल्याण हो।